सो फ्रेंड्स, ये जो कैलेडियम के बल्ब आपको दिख रहे हैं, ये मैंने अभी घर वाले भी हैं ये वाले तो, और ये वाले जो बल्ब हैं ये पुराने, दोनों स्पॉट खाली किया उसमें से निकले हैं। इनको वेल ड्रेन्ड रिच सॉइल चाहिए और थोड़ी जो उसमें मॉइस्ट हो। तो मैंने जो पॉटिंग मिक्स लिया है, ये यहाँ गुड़गांव की जो मिट्टी है ये ऑलरेडी काफ़ी रेतीली सी है, तो इसमें मैं अलग से सैंड नहीं मिला रही हूँ। हाफ़ मैंने यहाँ की लोकल मिट्टी ली है और हाफ इसमें मिला है मैंने वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट इनको न्यूट्रिशन भी देगा पूरा और साथ में इसको देगा मॉइस्ट हल्की सी, ठीक है। तो ये जो बल्ब हैं ये काफ़ी छोटे हैं, तो इसको मैं दो दो लगाऊंगी, और ये वाले जो बड़े हैं ये एक ही एक लगाती हूँ। इसके लिए मैंने पॉलीथीन प्लास्टिक पॉट्स लिए हैं और इसमें मैंने लगाया है टिश्यू पेपर, वो जो टिश्यू शॉपिंग बैग होते हैं वो काट के लगाया है, ठीक है। तो अब मैं इसमें मिट्टी भर के आपको लगा के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको ये जो ओल्ड वाला बल्ब निकाला है ना, ये इसमें फंगस अटैक हो चुका है, इधर गल रहा है। तो इसको इस तरह से आप साफ़ कर लीजिए किसी चाकू से, या अगर छोटा वोटा है तो आप अपने हाथ से ही खुरच के उसको साफ़ कर सकते हैं, है ना। अभी मैंने इसे थोड़ा धूप में भी सुखाया है, आपको दिखाने के लिए दोबारा से कर रही हूँ मैं, है ना। और अब इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा फंगस पाउडर। तो फंगस पाउडर मैं इस पर ये लगा रही हूँ 22 टिन, आपके पास जो भी आप वो लगा सकते हैं। और इसीलिए मैं ये इसमें मिट्टी में भी मिला रही हूँ, है ना, कि ये हो ना पाए बाकी और उसमें अफेक्ट ना हो पाए। इस तरह से इसको खूब अच्छे से लगा देंगे इसमें, और एक्स्ट्रा उसमें से झड़ा दीजिए। ये दूसरा इसमें भी छोटा सा हो रखा है, तो इसमें ये कर दिया, है ना। तो इस तरह से आपको करके इसको पहले आप सुखा लें, और इनको जिस भी बल्ब उसमें गमले में लगाएंगे ना, उसमें अभी पानी लगाएंगे, इसको लगा देंगे गमले को, लेकिन पानी इसमें नेक्स्ट डे डालेंगे, ताकि उसमें ये जो एंटी फंगस पाउडर हमने लगाया है ना, ये अच्छे से अपना असर दिखा जाए। अब ठीक हो गया। सो फ्रेंड्स, मैं इनके रुक तैयार कर लिए हैं ये पॉट्स मैंने, और वो जो दोनों बल्ब आपको भी दिखाए थे जिसमें मैंने एंटी फंगस पाउडर लगाया, उनको तो मैं सूखने दे रही हूँ अभी 3-4 घंटे के लिए, उसके बाद में उन्हें लगाऊंगी। और वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो एक पॉट में एक ही लगेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये 6-6 इंच के प्लास्टिक के पॉट्स हैं, और इसमें मैं ये बल्ब लगा रही हूँ कैलेडियम के। तो इसको लगाते टाइम ध्यान रखना है कि जो नीचे से जो फ्लैट पोर्शन है ना, ये ही जाएगा मिट्टी में, और ये ऊपर से थोड़ा उभरा हुआ आपको कहीं कहीं से उसमें ग्रोथ होती भी दिख रही होगी, है ना। तो यही लगेंगे, तो मैं एक एक पॉट में दो लगा रही हूँ, है ना। देखिए ये ऐसा लगेगा, ये आपको चेक करके लगाना पड़ेगा ना। देखिए ग्रोथ इसमें ऊपर साइड हो रही है, वो ग्रोथ वाला पोर्शन ऊपर रखना पड़ेगा ऐसे, और ज़्यादा गहरे नहीं लगाने इनको, है ना, बस कि इनके ऊपर मिट्टी करीब 1 इंच तक की मिट्टी आ जाए, बस इतने ही लगाने हैं। यहाँ से डाल के टैप कर दीजिए पॉट, और अब इस पर वाटरिंग कर देंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये पॉट मेरे तैयार हो गए, और अब इसमें मैं पानी कर डाले दे रही हूँ, और इनको अब मैं रखूँगी यहाँ धूप वाले पोर्शन में, क्योंकि ये तो धूप में ही उगने वाले हैं। और अभी तो जैसे समझिए आप मार्च अप्रैल तक तो ये धूप में ही रहेंगे, उसके बाद आपको इनको सेमी शेड वाले एरिए में रख दीजिए, जिसमें इन्हें 2-3 घंटे की धूप मिल जाए, है ना, तो ये अच्छे रहेंगे। क्योंकि इनके बड़े कलर्ड लीफ होते हैं, जो गर्मियों में तो फूल कम खिलते हैं, लेकिन कलर्ड लीव्स वाले ना प्लांट्स खूब अच्छे चलते हैं, ये जो बल्बर प्लांट्स होते हैं वो खूब अच्छे चलते हैं। तो ये हो गया, बाकी क्योंकि इसकी मिट्टी थोड़ी नमी रहना चाहिए, तो आपको इसमें समर्स में दोनों टाइम पानी डालना पड़ेगा, और एवरी 15-20 डेज पे एक बार 1 लीटर पानी में आधा चम्मच 22 टिन या ट्राइकोडर्मा या जो भी आपके पास एंटी फंगस पाउडर हो वो उसमें मिला के आप सारे गमलों में थोड़ा थोड़ा डाल दें, तो इनमें फंगस अटैक नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर आपके पास यही बल्ब काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाएंगे और क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ये कि महीने में एक बार इनमें आप नाइट्रोजन रिच खाद डालें। उसके लिए क्या होती है, नाइट्रोजन रिच में सबसे अच्छी होती है वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, तो एक एक मुट्ठी आप वो डाल दें, बस ये बहुत अच्छे चलते रहेंगे। तो ये हो गया, इनकी केयर मैंने आपको बता दी, और अब ये जो बचे हुए बल्ब हैं इनको मैं लगा रही हूँ दूसरे बड़े बल्ब में, दूसरे बड़े पॉट में, सॉरी जो एमेरिलिस लिली का पॉट है उसमें लगाए दे रही हूँ इनको मैं।
तो फ्रेंड्स ये जो है ये एमरेलिस लिली का पॉट है, आप देख रहे हैं इसमें 5-6 बल्ब लगे हुए हैं और बाकी गमला खाली पड़ा है। तो इसी में ये बल्ब वाले और लगा देती हूँ, क्योंकि बल्ब वाले सारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट लगभग सही नहीं होती है, है ना। तो इस तरह से ये तो अभी फूल आके ख़त्म हो जाएगा, होली तक इसका फूल आ जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर पत्तियाँ ही रहेंगी। तो इसमें इनको लगा देते हैं, तो पत्तियों के साथ ये पत्ती वाले प्लांट भी अच्छे लगते रहेंगे। और जो बाकी बचा गमला है उसमें हम उसको और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हम लगा सकते हैं वो पोर्चुला का या पर्सलेन, है ना। तो उनको भी काफ़ी, उनकी भी सकुलेंट है, उनकी भी नीड इन्हीं के जैसी है, तो वो एक साथ 2-3 लगे हुए बहुत अच्छे रहेंगे। बड़े पॉट का इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये लग गए सारे, बस अब इसमें हमें पानी देना है, थोड़ी सी खाद डालनी है, खाद ऊपर से थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ मैं। बस ये खाद डल गई ऐसे, और अब पानी डालना है।